हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीड करेंगे अ शॉर्ट एंड ऑब्वियसली रिटन इन वेरी स्मार्ट वे पैराग्राफ, जिसका टाइटल है अ विजिट टू एन एग्जीबिशन। आइए इसको रीड करें। अ ग्रैंड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन आवर सिटी 2 years एगो। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशंस एवर हेल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सबसे पहले तो एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन में विजिट करना कौन नहीं चाहता। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग एग्जीबिशन में विजिट करना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन अगर हमें पैराग्राफ लिखना है स्पेशली ऑन अ विजिट टू एन एग्जीबिशन, तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि एग्जीबिशन में विजिट की तो वो क्यों की, क्यों, क्या ऐसा था कि हम उस पर पैराग्राफ लिखें। ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट मीन्स मैंने जैसे कि इसमें लिख दिया कि ऐसी एग्जीबिशन जो है मतलब 2 साल पहले लगी थी और ये इंडिया की बेस्ट एग्जीबिशंस में से एक थी, तो ऑब्वियस है बहुत स्पेशल हो गई। और जब बहुत स्पेशल हो गई तो उसको हम भूल नहीं सकते। ओके, तो इस पर हमने एक पैराग्राफ लिखा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि एग्जीबिशन बहुत स्पेशल थी और मैंने वहाँ पे विजिट की, हमारे जो स्टेट सिटी में लगी थी। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना तो जो ये ज़रूर बताना कि क्यों लिख रहे हो। अगर एग्जीबिशन पे आप गए हो तो क्यों लिख रहे हो उस पर पैराग्राफ। एग्जीबिशन तो जनरली लगती रहती हैं, तो पैराग्राफ लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 साल पहले लगी थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इंडिया की बेस्ट एग्जीबिशंस में से एक थी। ओके, आइए इसको दोबारा से रीड करें। अ ग्रैंड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन आवर सिटी 2 years ago, it was one of the best exhibitions ever held in India. Okay, तो grand exhibition जो है हमारी city में लगी 2 years पहले, और ये जो थी best exhibitions में से एक exhibition थी, वो भी India की। आइए इसको आगे read करें। One Sunday I wanted to see the exhibition. एक Sunday मैं exhibition देखना चाहती थी। I was accompanied by some friends. मैंने कुछ friends की company ली and या फिर उन्होंने मेरी मतलब हम लोग company में गए एक दूसरे के साथ। When we went in, जब हम अंदर गए, we saw a very interesting sight. हमें बहुत ही interesting sight देखने को मिली। Cycle industry was at display in the first few stalls. कुछ stalls में, स्टार्टिंग के कुछ स्टॉल्स में हमें क्या देखने को मिली, साइकिल इंडस्ट्री जिसको डिस्प्ले किया गया था स्टार्टिंग के कुछ स्टॉल्स में। नेक्स्ट वॉज द पॉटरी सेक्शन, और जो नेक्स्ट था वो था पॉटरी सेक्शन। आइए इसको दोबारा से रीड करें। वन संडे आई वॉन्टेड टू सी द एग्जीबिशन, आई वॉज अकम्पनीड बाय सम फ्रेंड्स, वेन वेंट इन वी सो अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट, साइकिल इंडस्ट्री वॉज एट डिस्प्ले इन द फर्स्ट फ्यू स्टॉल्स, नेक्स्ट वॉज द पॉटरी सेक्शन। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको अब तक का पैराग्राफ। अगर आपको ये पैराग्राफ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से जाइए लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी पैराग्राफ नीडेड हो या कोई और टॉपिक आपने समझना हो तो उस पर भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाइज भी देती हूँ, और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि एक बार वीडियोस डाली एंड देन मेरा काम जो है ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इंडिया में, या फिर मैं क्या बोलूँ, सब लोग कहते हैं कि कौन देखेगा एजुकेशन चैनल। और अब आप लोगों के सपोर्ट से मेरा 1 लाख से अबव हमारी फैमिली है, तो मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एजुकेशन चैनल भी चलता है। लोग हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, ये वीडियोस जिनके लिए हेल्पफुल है वो देखते हैं, और आप ये मेरे साथ प्रूव कर सकते हैं, मेरे को इसमें सपोर्ट कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके, ताकि पता चले कि इंडियन सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे ही नहीं एजुकेशन के पीछे भी भागते हैं। और अभी तो मूवी भी आई है सुपर 30, ऑब्वियसली इंडियन सुपर 30 नहीं, इंडियन तो पूरा इंडिया ही सुपर है। आइए इसको आगे रीड करें। देन वी एंटर्ड द हैंडलूम स्टॉल, तो सबसे पहला स्टॉल कौन सा था, साइकिल इंडस्ट्री जिसको डिस्प्ले किया गया था कुछ स्टॉल्स में, और उसके बाद हमने देखा था पॉटरी सेक्शन, उसके बाद हमने एंटर किया हैंडलूम स्टॉल में, और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टॉल इन द एग्जीबिशन। तो ये एग्जीबिशन का बेस्ट और बिगेस्ट स्टॉल में से एक स्टॉल था, ठीक है। एग्जीबिशन के जितने भी बेस्ट स्टॉल थे और जितने भी बिग स्टॉल थे उनमें से एक था।
वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड सेट अप देयर स्टॉल्स. इंडिया में काफ़ी स्टेट्स के लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए. देन वी एंटर्ड द स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री. तब हमने एंटर किया उन स्टॉल्स में जो अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड थे. देयर वर स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट टीवी सेट्स. वहाँ पे स्टॉल्स थे डिफरेंट टीवी सेट्स के. ऑन वन स्टॉल वी सो वेरियस टाइप ऑफ रेडियो सेट्स. और एक स्टॉल पर हमने काफ़ी तरह के रेडियो सेट्स भी देखे. आजकल तो वैसे भी बहुत वैरायटी है, यू नो, एक पॉकेट में रखने वाला FM और एक बड़ा जो है म्यूज़िक सिस्टम, दोनों तरह से अवेलेबल है, छोटे से छोटे साइज़ में और बड़े से बड़े साइज़ में. तो आइए इसको दोबारा से रीड करें, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं. देन वी एंटर द हैंडलूम स्टॉल. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टॉल इन द एग्जीबिशन. वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड सेट अप देयर स्टॉल्स. देन वी एंटर द स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री. देयर वर स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट टीवी सेट्स. ऑन वन स्टॉल वी सो वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियो सेट्स. आइए इसको अगर रीड करें. वी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे. हम काफ़ी दूर तक चले. वी वर फीलिंग टायर्ड. अब हम थकने लगे, थकावट फील कर रहे थे. वी टुक सम स्वीट्स एंड टी. जब हम थक गए और थकते हैं पे क्या होता है कि थोड़ा रेस्ट किया जाए और थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए. तो हम बैठ गए और कुछ चाय और कुछ स्वीट्स लेने लगे. थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा कुछ पेट के अंदर भी चला जाएगा, उसके बाद आराम से देखेंगे एग्जीबिशन. वो कहते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठ की माला. आइए इसको रीड करें दोबारा से. वी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे. वी वर फीलिंग टायर्ड. वी टुक सम स्वीट्स एंड टी. आफ्टर दैट देखते हैं हमने क्या किया. आप चाहें तो कुछ और स्टॉल्स भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं इसको. आफ्टर दैट, और या फिर आप कुछ टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि आप इस टाइम पे पहुँचे और इस टाइम पे आपने वहाँ से क्विट करा एंड ऑल दैट. आफ्टर दैट वी सो द स्टॉल ऑफ 5-year प्लान. उसके बाद हमने स्टॉल देखा जिसपे 5-year प्लान लिख के बारे में बताया गया था. देन वी स्टूड इन ए लॉन्ग क्यू. तब उसके बाद हम एक लंबी लाइन में खड़े हुए टू सी द मॉडल ऑफ भाखड़ा नांगल डैम. और वहाँ पे मॉडल दिखा रहे थे, और किसका मॉडल दिखा रहे थे? भाखड़ा नांगल डैम. ओके, आइए इसको दोबारा से रीड करें, आप लोग भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी सॉ द स्टार ऑफ 5-year प्लान. देन वी स्टूड इन ए लॉन्ग क्यू टू सी द मॉडल ऑफ भाखड़ा नांगल डैम. आइए इसके आगे रीड करें. एंड अब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, क्लिक द सब्सक्राइब आइकन एंड देन द बेल आइकन, सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, वो भी प्रायर बेसिस पर. एंड उसके बाद आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उस पर मैक्सिमम व्यूज़ आएँ और पता चले कि इंडिया भी क्रेज़ी है एजुकेशन के लिए. वी हैड नॉट सीन एवर हाफ ऑफ द एग्जीबिशन व्हेन इट वॉज 9:30 PM. अब रात के 9:30 बज गए थे और अभी तक हमने आधी एग्जीबिशन भी नहीं देखी थी. सो वी लेफ्ट फॉर होम. और ऑब्वियसली 9:30 रात के बज गए हैं तो घर जाना ही है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो हम घर चले गए. ओके, तो इस तरह से हो गया इस पैराग्राफ का एंडिंग. एंड अगर आपको इसके बाद लिखना है कि हम इस एग्जीबिशन को कभी भूल नहीं सकते, या फिर बची हुई एग्जीबिशन देखने हम नेक्स्ट डे गए, वैसे तो ए विजिट है तो एक ही विजिट के अंदर बहुत है. और क्योंकि मैंने इसको बिगेस्ट और ग्रैंड एग्जीबिशन के नाम से दिया था तो मैंने लिख दिया कि 9:30 तक भी हम इसको पूरा नहीं देख पाए, ताकि ये पता चले कि कितनी बिग थी और कितनी ग्रैंड थी. इसी कारण मैंने लास्ट में ये लिखा. आइए इसको दोबारा रीच करें. वी हैड नॉट सीन एवर हाफ ऑफ द एग्जीबिशन व्हेन इट वॉज 9:30 PM. सो वी लेफ्ट फॉर होम. एक्चुअली क्या है, जब भी हम पैराग्राफ लिखें तो हर एक वर्ड, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन दूसरी लाइन से अटैच होनी चाहिए. जैसे कि मैंने इसकी बिगनिंग की थी कि ग्रैंड एग्जीबिशन है, बिग एग्जीबिशन है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन थी, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया कि वन डे में भी हम इसको कम्प्लीटली नहीं देख पाए, क्योंकि ये लगे कि हाँ भाई हम उसी एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं जिस एग्जीबिशन से हमने स्टार्टिंग करी थी. तो पैराग्राफ लिखते वक्त आप लोग भी ये ध्यान रखना कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड हो. बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में बात चल रही है रामायण की और सेकंड में आप पहुंच गए महाभारत पे, तो वो बहुत ही अजीब लगता है और उसमें मार्क्स भी कम मिलते हैं. ओके, आइए इसको एक बार और रीड कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ रीड कर लीजिए. ए विजिट टू एन एग्जीबिशन. ए ग्रैंड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन आवर सिटी 2 years ago.
It was one of the best exhibitions ever held in India. One Sunday, I wanted to see the exhibition. I was accompanied by some friends. When went in, we saw a very interesting sight. Cycle industry was at display in the first few stalls. Next was the pottery section. Then we entered the handloom stall. It was one of the best and the biggest stall in the exhibition. Various states of India had set up their stalls. Then we entered the stalls of different industry. There were stalls of different TV sets. On one stall, we saw various type of radio sets. We had walked a long way. We were feeling tired. We took some sweets and tea. After that, we saw the stall of the 5-year plan. Then we stood in a long queue to see the model of Bhakra Nangal Dam. We had not seen even half of the exhibition when it was 9:30 p.m. So we left for home. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Have a good day.